मैडम के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की गई। मैं उनकी फ्लैट प्रभारी थी और मुझे करीब 4:30 बजे के करीब सूचना मिली कि मैडम पार्टी कार्यालय से अपने आवास कॉल हाउस जाएंगी। मैम की फ्लैट तदनुसार रवाना की गई और फ्लैट का अगला हिस्सा कॉल हाउस के लिए मुड़ भी गया था, लेकिन मैम फ्लैट के साथ ना मुड़ के सीधे जाने लगी। मेरे द्वारा ये जानकारी करनी चाहिए कि मैडम कहाँ जाना चाहती हैं ताकि तदनुसार अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। चूँकि मैडम कैटेगराइज प्रोटेक्टी हैं इसलिए उनकी अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया और मैडम गाड़ी से उतर के पैदल ही मार्च करने लगी। इस बीच मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, एक बार तो मैं गिर भी गई थी। मैडम के साथ किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर कोई अभद्रता नहीं की गई। इसके बाद मैडम स्कूटी से जाने लगी बिना हेलमेट के, एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर बैठ के, वो भी हेलमेट नहीं लगाया था, जाने लगी। पॉलिटेक्निक चौराहे पर जब रुकी मैडम तो मैं उनको बताया गया मैडम आपने हेलमेट नहीं लगाया जो आपकी सुरक्षा के लिए उचित भी नहीं है। उसके बाद मैडम गाड़ी से उतर के स्कूटी से उतर के पैदल ही एसआर दाराकू जी के आवास तक गई और इस बीच उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र ये जानना खाली चाहा गया था कि वो कहाँ जाना चाहती है। मेरे द्वारा सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है।